नमस्कार, मेरा नाम अनिल डॉलर है और रिएक्ट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारे इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले हम रिएक्ट स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेसेस क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। रिएक्ट स्टडी करने के लिए रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो react.js.org है। अगर आपको रिएक्ट का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। अगर रिएक्ट को आप अल्टरनेट ट्यूटोरियल्स हैं आपके पास W3C स्कूल्स, वहाँ पर आप इस लिंक एड्रेस पर आप जाएंगे तो आप रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने बिल्ड की है, और ये लाइब्रेरी जो है यूजर इंटरफेसेस, जिसे हम बोलते हैं यूआई, यूआई प्रिपेयर करने के लिए यूज की जाती है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं, तो पॉइंट हम देख लेते हैं। रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बिल्डिंग फॉर यूजर इंटरफेसेस। रिएक्ट जो है वो आपके सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिसे हम स्पा कहते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन, स्पा एप्लीकेशन यूज करने के लिए यूज की जाती है। रिएक्ट जो है वो हमें ऐसे एलिमेंट्स जनरेट करता है रिएक्ट, जिसे हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। सो रिएक्ट अलाउ अस टू क्रिएट यूआई कंपोनेंट्स। रिएक्ट जो फ्रेमवर्क है वो फेसबुक ने बिल्ड किया है। सो रिएक्ट ठीक है, सो रिएक्ट फ्रेमवर्क जो है वो फेसबुक द्वारा बिल्ड किया गया है, और जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए, टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन देयर आर थ्री मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, सो अगर आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आपको स्पा कहते हैं, अगर आपको स्पा एप्लीकेशंस बनानी है तो मार्केट में आज की तारीख में, जिस समय में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की तारीख तक अभी पॉपुलर तीन ही फ्रेमवर्क अवेलेबल है। सबसे पहला फ्रेमवर्क है एंगुलर, ठीक है। दूसरा फ्रेमवर्क जो है वो है रिएक्ट, और तीसरा जो पॉपुलर फ्रेमवर्क अभी मार्केट में चल रहा है वो व्यू जेएस है। व्यू जेएस। एंगुलर जो फ्रेमवर्क है वो गूगल ने डेवलप किया है, रिएक्ट फ्रेमवर्क जो है वो फेसबुक ने डेवलप किया है, ठीक है, और व्यू जेएस जो फ्रेमवर्क है वो किसी इंडिविजुअल इंडिविजुअल डेवलपर ने, एक इंडिविजुअल डेवलपर है, उन्होंने इसको बिल्ड किया। बेसिकली आप विकिपीडिया पे जाके उस डेवलपर का नाम भी देख सकते हैं। अब तो एक पूरा कम्युनिटी बन गया है व्यू जेएस, ठीक है। जो एंगुलर फ्रेमवर्क है वो उस पूरे एंगुलर फ्रेमवर्क का जो साइज है वो 500 किलोबाइट है, ठीक है, और हमारा जो रिएक्ट है उसका जो साइज है वो 100 किलोबाइट है। और यहाँ पर अगर आप देखें व्यू जेएस का फ्रेमवर्क का जो पूरी लाइब्रेरी का जो फाइल साइज है वो 80 किलोबाइट है। अब यहाँ पर कंपटीशन जो है इन तीन फ्रेमवर्क्स में ही है आपस में, क्योंकि इन तीन फ्रेमवर्क के द्वारा आप क्या बना सकते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब हो गया पूरी वेबसाइट में एक ही वो पेज होगा जिसमें पूरी वेबसाइट लोड होती है, एक ही पेज है और उस पेज के अंदर आपके कंटेंट लोड होते हैं बेसिकली। सो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए या तो आप एंगुलर यूज करें, या रिएक्ट यूज करें, या व्यू जेएस यूज करें। अगर आपको कंपैरिजन देखना है कि इन तीनों में से पॉपुलर अभी कौन चल रहा है, उसके लिए आप जा सकते हैं, अपने वेबसाइट ओपन करिए गूगल, और गूगल पे आप लिखिएगा गूगल ट्रेंड्स। यहां पर मैंने लिखा गूगल ट्रेंड्स, ठीक है, गूगल ट्रेंड्स आपने लिखा, और गूगल ट्रेंड्स आप लिखिएगा, और तीनों फ्रेमवर्क में आप कंपैरिजन कर सकते हैं
कि तीनों में से पॉपुलर अभी कौन सा चल रहा है। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स वेबसाइट पे आप तीनों की पॉपुलैरिटी चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो रिएक्ट की है। रिएक्ट में ऐसा क्या है जो कि उसको इतना पॉपुलर बनाता है? वो जो कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का वो है आपका, रिएक्ट के अंदर एक फीचर है वर्चुअल डॉम का। रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम को यूज़ करता है। ठीक है, अब ये डॉम क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। व्यू जेएस भी जो है वो वर्चुअल डॉम यूज करता है, बट यहाँ पर गूगल इसलिए पीछे रह गया अपने एंगुलर फ्रेमवर्क में क्योंकि वो रियल डॉम पे वर्क करता है। अब यहाँ पर अगर हम डॉम की बात करें तो डॉम है क्या? डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, आप किसी भी वेबसाइट पर आप जाइए, उस पर राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट में, एलिमेंट्स टैब में जो आपको बेसिक एचटीएमएल दिखता है यही आपका डॉम कहलाता है। और ये जो डॉम है ये आपका रियल डॉम है, ये ब्राउजर के अंदर चलने वाला रियल डॉम होता है। फेसबुक ने कुछ नया करने को सोचा, फेसबुक ने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना हमारे स्पीड बढ़ाई जाए, तो वो कैसे बढ़ सकती है? एंगुलर के अंदर होता ये है कि बेसिकली कुछ भी आपको ब्राउजर में चेंजेस करने हैं तो एंगुलर का फ्रेमवर्क क्या करता है, वो रियल डॉम पे जाके मैनिपुलेशन करता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे हेडर हटाना है तो एंगुलर फ्रेमवर्क क्या करेगा, डायरेक्टली जाके उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हटा देता है, तो वो रियल डॉम पे जाके वर्क करता है एंगुलर का, गूगल का एंगुलर फ्रेमवर्क। बट रिएक्ट और Vue.js के अंदर ऐसा नहीं होता है। रिएक्ट और व्यू जेएस के अंदर जो है वो वर्चुअल डॉम यूज करते हैं। वर्चुअल डॉम क्या होता है, ऐसा डॉम जो वर्चुअल है, जिसे आप नहीं देख सकते हैं, तो जो डॉम आपको दिखाई दे रहा है वो रियल डॉम है। इसको आप देख सकते हो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, एलिमेंट्स टैब में जाके ये आप देख सकते हो, जो दिख रहा है आपको एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, ये रियल डॉम है। मगर रिएक्ट के अंदर ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज करता है, वर्चुअल डॉम प्लस रियल डॉम। ठीक है, वर्चुअल डॉम जो है वो मेमोरी के अंदर चलता है। ठीक है, तो आपके जो सिस्टम की जो मेमोरी है उसके अंदर वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है बेसिकली। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई रिएक्ट का एप्लीकेशन लॉन्च करते हो तो वो रिएक्ट क्या करता है, जो आपका रियल डॉम है जो आपको यहां पर एलिमेंट्स टैब में दिखाई दे रहा है, इसका एग्जैक्ट एक क्लोन वो कहां कर देता है, सिस्टम की मेमोरी के अंदर। और जब भी आपको कोई एलिमेंट चेंज करना है या एलिमेंट नया क्रिएट करना है या कुछ भी मैनिपुलेशन करना है यूआई में, तो सबसे पहले जाके वो कहां चेंज करता है, रियल डॉम में, सॉरी वर्चुअल डॉम में। और जैसे ही वर्चुअल डॉम में कुछ भी मैनिपुलेशन होता है तो ऑटोमेटिकली वो रियल डॉम पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब रिएक्ट के अंदर आपका प्राइमरीली जो मैनिपुलेशन हो रहा है वर्चुअल डॉम पे हो रहा है और वर्चुअल डॉम से रियल डॉम पे अफेक्ट हो रहा है। इसलिए स्पीड की अगर हम बात करें कि अगर मुझे सुपर फास्ट स्पीड चाहिए, मुझे ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसका लोड टाइम बहुत फास्ट हो, तो बेटर है कि आपके पास रिएक्ट या Vue.js आप यूज करें, क्योंकि रिएक्ट और Vue.js में वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट यूज की जाती है। आप कुछ भी मैनिपुलेशन कर रहे हो डायरेक्ट जाके मेमोरी में चेंज हो रहा है, बजाय कि वो ब्राउजर में आके और ब्राउजर में चेंज करने की बजाय वो आपके मेमोरी के अंदर जो वर्चुअल डॉम पड़ा हुआ है वहां जाके वो चेंज करता है। तो क्योंकि मेमोरी में है तो आपका जो है वो फटाफट मैनिपुलेशन हो जाता है, आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। ठीक है, रिएक्ट स्टडी करने के बहुत सारे रीजन है कि रिएक्ट आपको क्यों पढ़ना चाहिए। रिएक्ट आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो मार्केट में डिमांड है डेवलपर्स की वो रिएक्ट है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिएक्ट के बाद एंगुलर उसको ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि एंगुलर बहुत पीछे रह चुका है आज की तारीख में। आपके बाद अगर आप रिएक्ट स्टडी करके मार्केट में एंटर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको आगे की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि Vue.js है, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा लाइट वेट है। अब डेफिनेटली जितना ज्यादा किलोबाइट रहेगा फ्रेमवर्क में, उसकी फ्रेमवर्क की जो फंक्शनैलिटी है और उसकी लाइब्रेरी है वो बहुत वास्ट होगी। ये रिएक्ट जो है कंप्लीट लाइब्रेरी नहीं है, इसको आप कंप्लीट लाइब्रेरी नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट आप इसको फ्रेमवर्क नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक यूजर इंटरफेस की लाइब्रेरी है, ये सिर्फ यूजर इंटरफेस को हैंडल कर रहा है।
मगर यूजर इंटरफेस को हैंडल कर रहा है, तो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि सिर्फ रिएक्ट का काम सिर्फ यूजर इंटरफेस हैंडल करने का है। रिएक्ट का काम यूजर इंटरफेस हैंडल करने के साथ साथ बहुत कुछ और है जो कि इसके अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो हम आगे देखेंगे आगे के वीडियोज में। अभी तक हमें क्लियर हुआ कि डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और डॉम जो होता है बेसिकली जो आपका एचटीएमएल स्ट्रक्चर है उसी को हम डॉम कहते हैं। सो जो ब्राउजर के अंदर जो डॉम आपको दिखाई दे रहा है, एचटीएमएल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो आपका रियल डॉम है बेसिकली। और ऐसे डॉम को, ऐसे एचटीएमएल स्ट्रक्चर को जो आप देख नहीं सकते हो, जो कि मेमोरी के अंदर चल रहा है, वो आपका वर्चुअल डॉम है। और वर्चुअल डॉम हमें सिर्फ मिलता है या तो हम रिएक्ट यूज करें तो हमें वर्चुअल डॉम मिलेगा, या हम Vue.js यूज करें तो हमें वर्चुअल डॉम मिलेगा। अब हम जब भी हम रिएक्ट की एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हैं तो आपका वो पोर्ट 3000 पे रन होता है। आप इस पोर्ट को आप चेंज भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट रिएक्ट अगर हमें स्टार्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं और रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करना है। उसके लिए आप सबसे पहले W3C Schools पे जाके आप होम पेज पे जाइएगा। जैसे ही यहाँ पर हम होम पेज पे हैं W3C Schools पे, आप रिएक्ट सेक्शन पे जाइएगा, यहाँ पर लर्न रिएक्ट। W3C Schools ने कंटेंट बहुत सिंपल कंटेंट लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे। बट आपको बिल्कुल वास्ट कंटेंट चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो reactjs.org ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट मिलेगा। बट आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप रिएक्ट सीख रहे हैं, आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है, तो W3C Schools सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप यहाँ पर आप जाइएगा रिएक्ट गेट स्टार्टेड। रिएक्ट गेट स्टार्टेड में आप जो है रिएक्ट को अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए आप यूज कर रहे हैं तो आपको जो है आपकी मशीन में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। Node.js इंस्टॉल करने के लिए आप Node.js.org वेबसाइट पर आप जाइए और जो भी करंट वर्जन होगा उस exe को आप डाउनलोड करिए और इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करना बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, नेक्स्ट 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 क्लिक करके इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए। ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, Node.js इंस्टॉल्ड है कि नहीं है मेरे सिस्टम में वो चेक करने के लिए आप Node-V करना। वी का मतलब होता है वर्जन। अगर यहाँ पर Node-V कमांड लिखने के बाद अगर वर्जन नंबर आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, मेरे केस में 14 आ रहा है, हो सकता है आपके केस में 12 आए, हो सकता है 15 आए, 16 आए, अगर कोई सा भी वर्जन अगर आ रहा है, इसका मतलब ये श्योर है कि आपका Node.js आपके लैपटॉप में आपके मशीन में इंस्टॉल्ड है। Node.js जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो आपको उसके साथ साथ एक NPM भी मिलता है। ये NPM का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने दोनों ऑफिशियल वेबसाइट नोट डाउन कर रखी है, यहाँ लिख रखी है। उसके बाद आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल Node.js, और उसके बाद आप Node-V कमांड से आप वर्जन चेक करिए। उसके बाद npm-v कमांड से npm पैकेज मैनेजर, जिसे हम नोड पैकेज मैनेजर कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोड पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर। सो ये नोड पैकेज मैनेजर बाय डिफॉल्ट Node.js के साथ इंस्टॉल हो जाता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो npm का हम वर्जन चेक करेंगे, npm-v किया तो कुछ ना कुछ वर्जन आ जाना चाहिए। सो हमारे केस में जो है वर्जन आ रहा है 6.14.8, ठीक है। सो इसका मतलब Node.js और npm दोनों ही हमारे मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें Node.js इंस्टॉल होने के बाद आपको रिएक्ट अपने मशीन के अंदर इंस्टॉल करना है। यदि आप रिएक्ट सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहे हो, आपको कंप्लीट Node.js कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सी टेस्टिंग करनी है, तो ये गेट स्टार्टेड में जाके एक सिंपल सा HTML का ये कोड है, इसको कॉपी करके भी रन करके भी आप जो है रिएक्ट की टेस्टिंग कर सकते हो। बट हमें तो एक्चुअल एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको जो है Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हमें रिएक्ट का कंप्लीट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट सेटअप करना है, ठीक है। हम कुछ टेस्टिंग नहीं करना चाह रहे, हमें रियल एक कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, npm यूज करना पड़ेगा। npm एक कमांड है जिसके थ्रू आप पैकेजेस डाउनलोड करते हैं। अब ये पैकेजेस क्या होते हैं और कहां से डाउनलोड होते हैं, ये हम देखते हैं। एक वेबसाइट होती है npmjs.com।
npmjs.com ये वेबसाइट है जहां पर जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस की जो लाइब्रेरीज होती हैं उनका सोर्स कोड यहां पर अवेलेबल होता है। तो सोर्स कोड डेफिनेटली वही होगा जो कि ओपन सोर्स है, जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है। सो अभी तक यहां पर लगभग जो है 1.4 मिलियंस जो हैं पैकेजेस अवेलेबल हैं। npmjs की तरह एक और वेबसाइट होती है GitHub, ठीक है। सो github.com, npmjs और github दोनों ही एक जैसी वेबसाइट हैं, बट फर्क थोड़ा सा डिफरेंस है कि GitHub पर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड रख सकते हो और npmjs पर किसी भी प्रोग्रामिंग का सोर्स कोड नहीं रख सकते हैं। यहां पर सिर्फ जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने फ्रेमवर्क हैं उनका सोर्स कोड रख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का सोर्स कोड मैं यहां पर GitHub पे रख सकता हूं, मैं जावा का रख सकता हूं, .NET का सोर्स कोड रख सकता हूं। GitHub एक यूनिवर्सल जो है हमारा एक रिपोजिटरी है, बट npm जो है हमारा ऐसी रिपोजिटरी है जहां पर मैं जावास्क्रिप्ट रिलेटेड क्या रख सकता हूं, सोर्स कोड रख सकता हूं, ठीक है। सो जैसे ही मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करता हूं, यहां पर आप देखिए ये कमांड है npm install -g create react app, तो आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कमांड कहां रन करनी है। तो यहां पर आप किसी भी ड्राइव में जाके एक अपना फोल्डर बनाइए। सो मैंने एक फोल्डर बना लिया, रिएक्ट 3 नाम से एक फोल्डर बना लेता हूं, और जो है इस फोल्डर के अंदर गया, मैंने राइट क्लिक किया और आपके मशीन में गिट बैश इंस्टॉल होना चाहिए। सो गिट बैश नहीं है तो मैं बता देता हूं। सो आप गिट बैश यहां पर लिखिएगा, एंटर करिएगा, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है गिट बैश की ये वाली है फर्स्ट गिट बैश, gitscm.com। इस वेबसाइट पे जाके आपको जो है गिट बैश आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो यहां पर एक डाउनलोड बटन आएगा विंडोज के लिए, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने फोल्डर में जाइए, राइट क्लिक करोगे, तब जाके ये दो मेन्यू आपको यहां पर दिखाई देंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में। इस ब्लैंक फोल्डर के अंदर आपको करना क्या है, गिट बैश हियर पर क्लिक करना है और इसके अंदर एक कमांड आपको रन करनी है, कोड स्पेस डॉट। कमांड से क्या होगा, आपके मशीन में यदि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड इंस्टॉल्ड है तो वो रन हो जाएगा। कोड डॉट ये उसका सिंटेक्स है, विजुअल कोड रन करने के लिए कमांड का एक सिंटेक्स है बेसिकली। अब जैसे ही मैंने यहां पर इंस्टॉल उसको कोड डॉट किया तो देखिए मेरा वर्क स्पेस भी ऐड हो गया और साथ साथ हमारा विजुअल कोड भी ओपन हो गया। अब मुझे टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के लिए देखिए यहां पर एक कमांड दी हुई है कि आप कंट्रोल प्रेस करें और टिल्ड प्रेस करें। तो ये मैंने कंट्रोल प्रेस किया और ये टिल्ड प्रेस किया, ये बैक टिक मैंने प्रेस किया तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अगर आपको कमांड शॉर्टकट यूज नहीं करना है तो आप यहां जाके ये टर्मिनल भी स्टार्ट कर सकते हो। अब मुझे जो है सबसे पहले मुझे रिएक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास कमांड है npm install -g और यहां पर ये कमांड लिख के आपको इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपकी रिएक्ट जो है ग्लोबली आपके मशीन में इंस्टॉल हो जाएगी, मतलब रिएक्ट एप्लीकेशंस को आप किसी भी ड्राइव से बना सकते हो। अभी मैं ड्राइव जो है ई यूज कर रहा हूं, आपके केस में ई डी यूज कर रहा हूं, आपके केस में ई हो सकती है ड्राइव, एफ हो सकती है, तो आप किसी भी ड्राइव पे रिएक्ट एप्लीकेशन आप कर सकते हो। मैं इस कमांड को इंटर करूंगा और मैं अभी इंटर नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। उसके बाद जो है आपको अगली कमांड आपको रन करनी है जो कि प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। मान लीजिए आप एक फ्लिपकार्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको कमांड रन करनी है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और यहां पर आपने दे दिया फ्लिपकार्ट, ठीक है npx, ठीक है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और फ्लिपकार्ट करके आपने इंटर किया। अगेन मैं यहां पर इंटर कर देता हूं और इस कमांड, ये कमांड क्या करेगा, वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा आपके पास। अब ये उस समय जिस समय आप ये कमांड रन कर रहे हैं उस समय आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेट थोड़ा बहुत भी स्लो हुआ तो लिंक्स फेल हो जाती हैं और प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट डाउनलोड होगा, और इनकम्प्लीट डाउनलोड होगा तो आप रन नहीं कर पाओगे। सो ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है और मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं जब तक ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है।
ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा। अभी भी ये इंस्टॉल हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं कंट्रोल सी करके इस प्रोजेक्ट को रोक रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ ब्लैंक प्रोजेक्ट्स जो हैं इंस्टॉल कर रखे हैं, तो मैं वहाँ पर जाके उसको रन करूँगा, तो मैं इस प्रोजेक्ट को रोक रहा हूँ। बट बाकी आपको जो है अपना प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करके रखना है। मैं अभी इस विजुअल कोड को बंद कर रहा हूँ और मैं जो है दूसरी ड्राइव दूसरे फोल्डर में जा रहा हूँ, रिएक्ट टू के अंदर या रिएक्ट के अंदर ऑलरेडी मैंने कुछ ब्लैंक प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं, तो वो मैं रन करूंगा। माय फर्स्ट रिएक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर रखा है और यहां जाके राइट क्लिक करके मैं गिट बैश हियर करूंगा और कोड डॉट करूंगा, तो मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया। उसके बाद जो है उसके बाद आपको टर्मिनल स्टार्ट करना है और सबसे पहला काम है कि आप इसको रन कैसे करेंगे। सो यहाँ पर जो है npm स्टार्ट आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप npm स्टार्ट करेंगे तो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल रन हो जाएगा। बेसिकली जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूँगा तो ये डेवलपमेंट सर्वर पर लॉन्च कर देगा। ये डेवलपमेंट सर्वर पर लॉन्च हुआ और रिएक्ट का जो डिफॉल्ट पेज है वो आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं तो ये चेंजेस अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, बट आपके इसमें रिएक्ट का ब्लू बटन आ जाएगा और डिफॉल्ट पेज हो जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है npm start कमांड रन करनी है और रिएक्ट आपका लॉन्च हो जाएगा। आप एक नया टर्मिनल ओपन करिए, दूसरे टर्मिनल पे शिफ्ट करने के लिए आप यहां जा सकते हो, कंट्रोल सी करके आप अपने डेवलपमेंट सर्वर को बंद कर सकते हो। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपने src फोल्डर में जाके जितनी भी फाइल्स आपको यहां दिख रही है उसको आप पहले डिलीट कर देना। हमने एक पॉइंट हमने देखा है कि जो रिएक्ट है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए, मतलब रिएक्ट फ्रेमवर्क के अंदर एक ऐसी फाइल होगी, हमारे पास एक ऐसी HTML फाइल होगी जो कि फर्स्ट टाइम जब रिएक्ट एप्लीकेशन आप रन करते हो उस समय वो रन होती है। वो फाइल आपको मिलेगी पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html के अंदर। सो मैं यहां पर गया और आप देखिए ये पब्लिक फोल्डर रहा और पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html फाइल आपको मिलेगी। इस index.html फाइल के अंदर आपको बॉडी के अंदर जाके आपको एक रूट फोल्डर मिलेगा। ठीक है, ये रूट डिव मिलेगा जहां पर पूरी वेबसाइट लोड होती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने src फोल्डर में जाके आप पूरा इसको ब्लैंक कर दो। उसके बाद आपको जो है, मैं वापस से टर्मिनल आपने ओपन किया और आप npm स्टार्ट करें, कंट्रोल एल से आपका टर्मिनल क्लियर होगा। मान लीजिए अगर कुछ गलत कमांड टाइप भी हो जाती है तो कंट्रोल एल करना आपका टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने npm स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया तो ये एक एरर बता देगा, कुड नॉट फाइंड अ रिक्वायर्ड फाइल। मतलब रिएक्ट को एक ऐसी फाइल की जरूरत है जो कि कंपल्सरी होनी चाहिए, अगर वो फाइल नहीं है तो रिएक्ट इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। सो हमने ये देखा कि रिएक्ट के लिए जो हमारी HTML वाली फाइल कंपलसरी है वो index.html है, बट उस फाइल के साथ साथ हमें एक स्टार्टिंग लॉजिक फाइल की भी जरूरत है जो कि index.js होगी, जो कि src फोल्डर के अंदर होगी। सो यहां पर आप गए और src फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल बनाई, index.js नाम से एक फाइल बना लो आप। ये index.js नाम से मैंने फाइल बनाई और अगेन मैं क्या करूंगा, यहां पर npm स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया तो आप देखना लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन चल गई। मगर यहां पर अगर स्क्रीन पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मगर कुछ टाइटल में दिखाई दे रहा है, माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो अगर मैं यहां पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके सोर्स कोड भी देखूं तो एलिमेंट्स में आप जाइएगा, ये जो सोर्स कोड आपको दिखाई दे रहा है HTML का सोर्स कोड, ये कहां से आ रहा है, index.html से आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर src फोल्डर के अंदर हमारे पास index.html है और यहां पर मैं, यदि मैंने यहां पर लिखा कुछ भी लिखता हूं, मैं console.log मैंने लिखा और यहां पर मैं हेलो लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा हेलो, सेव किया और आउटपुट देखा, देखिए हेलो आ रहा है।
ठीक है, जैसे ही वो कंपाइल करेगा, बेसिकली ये कंपाइल करेगा और यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि रिएक्ट करता क्या है। रिएक्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर कंटेंट को लोड करता है बस। चूंकि ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो पूरी वेबसाइट में एक ही पेज है जो कि फर्स्ट टाइम लोड होता है और उसी पेज के अंदर कंटेंट लोड होते हैं। सो उस पेज का नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर आप बॉडी में जाओगे और बॉडी के अंदर एक डिव मिलेगा जिसको आई डी बाई डिफॉल्ट रूट दिया होता है। इस डिव के अंदर कंटेंट लोड होते हैं, मतलब यहां पर। तो चलिए एक एक कंटेंट में लोड करता हूं, कुछ भी नेम लिखते हैं, वो अभी मैं हार्ड कोडेड लिखना चाहता हूं। ठीक है, सो यहां पर मैं मैन्युअली गया, मैंने एक H1 लिखा और मैंने लिखा हेलो और इसको सेव किया और आउटपुट देखा। देखो ये कंटेंट आ गया, ये हार्ड कोडेड मेरा एक कंटेंट आ गया। और मैं एलिमेंट सेक्शन में जाके आप यहां पर देख सकते हैं रूट के अंदर ये हेलो आ रहा है, बट इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये मैंने हार्ड कोडेड लिखा है। तो फिर रिएक्ट का क्या काम है? अब यही टास्क जो है हम डायनेमिकली रिएक्ट को कहेंगे कि एक H1 आप इंजेक्ट करो, एक H1 आप इंसर्ट करो, कहां पर? डिव के अंदर, जिसकी आईडी क्या है? रूट है। हम रिएक्ट को कहेंगे, अभी ये यही टास्क मैंने हार्ड कोडेड किया है, मैनुअल किया है, हम मैनुअल नहीं करेंगे। ये कंटेंट जो है, जो भी कंटेंट मैंने अभी लिखा है, ये मैं ऑटोमेटिकली रिएक्ट को कहूंगा कि आप H1 है, आप H1 जो है एक एलिमेंट इंसर्ट करो, कहां पर? डिव के अंदर जिसकी आईडी रूट है, वहां पर आप H1 प्लेस करो और उस H1 के अंदर आप लिख दो हेलो। तो यही टास्क मुझे अब रिएक्ट के थ्रू करना है। तो ये जो हार्ड कोडेड लिखा था मैंने हटा दिया, अब ये टास्क जो है मुझे प्रोग्रामेटिकली कहना है, मुझे रिएक्ट से कहना है, रिएक्ट को कहना है। तो जितना भी लॉजिक है वो आप इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आप फर्स्ट टाइम लिखोगे। तो यही हेलो मुझे लिखना है डिव के अंदर, और एलिमेंट में कौन सा यूज करूंगा? H1। H1 का मतलब हो गया हेडिंग। अब यहां पर सबसे पहले आपको ऊपर ऊपर जाके एक रिएक्ट की जो लॉजिक फाइल होती है उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सो यहां पर मैं कमेंट करके लिख देता हूं स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्ट लॉजिक फाइल। एक रिएक्ट की जो लॉजिक फाइल होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो उसका स्ट्रक्चर में सबसे टॉप पे होता है इंपोर्ट एरिया। ठीक है, सो जब भी हमारे पास कोई रिएक्ट की फाइल है, मतलब उसकी जेएस फाइल है, तो अगर उसको मैं खोल के देखूंगा कोई सी भी फाइल को, तो आपको ये जो एरिया मैं बता रहा हूं, उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं, वो आपको फिक्स मिलेगा। फर्स्ट एरिया इंपोर्ट एरिया होता है। इंपोर्ट एरिया का मतलब हो गया है कि कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल कर रखी है और वो आपको जो है इंपोर्ट करनी है। तो जो लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल कर रखी है वो आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलेगी। सो सबसे पहला इंपोर्ट एरिया में आपको इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद आपको रिएक्ट लिखना है फ्रॉम रिएक्ट। अब मैंने इससे पहले मैंने आपको जो है मैं अभी आज ही बता देता हूं, एक फॉर्मूला बताता हूं, वो आपको ध्यान रखना है। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम some library, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना है, किसी न किसी लाइब्रेरी से, ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। मतलब इंपोर्ट लिखना ही लिखना है और फ्रॉम लिखना ही लिखना है। क्या क्या चीजें चेंज होगी? समथिंग एंड सम लाइब्रेरी चेंज होगा। इंपोर्ट लिखा मैंने, रिएक्ट इंपोर्ट करना है और कहां से? रिएक्ट लाइब्रेरी से। ये रिएक्ट जो मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक फोल्डर मिलेगा रिएक्ट नाम से। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आपको LMNOPQR, ये R की सीरीज में जाना और आपको रिएक्ट मिल जाएगा। यहां पर ये देखो, ये मिल गया, ये रिएक्ट, ये मिल गया। मतलब ये रिएक्ट ऑब्जेक्ट जो है मैं कहां से इंपोर्ट कर रहा हूं? रिएक्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहा हूं। इससे पहले क्योंकि ये रिएक्ट की सीरीज है, रिएक्ट मैंने आज ही स्टार्ट नहीं किया है। रिएक्ट के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है वो लगभग 2 महीने से मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ाते हुए आ रहा हूं। इन 2 महीनों में आपने ये चीज सीखा है कि हम मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं और मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि जब आप कोई जावास्क्रिप्ट के कोई भी फीचर्स एक्सपोर्ट करते हो तो क्या क्या फीचर्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप जावास्क्रिप्ट की क्लास एक्सपोर्ट कर सकते हो, फंक्शन एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, वेरिएबल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन 5 या 6 एलिमेंट जो आप एक्सपोर्ट करते हो उनमें से रिएक्ट एक है और वो एक
ऑब्जेक्ट हैं। सो उन केस में रिएक्ट जो है एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जो कि इस लाइब्रेरी के अंदर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर रखा है, तभी हम यहाँ पर इसको क्या कर पा रहे हैं, इम्पोर्ट कर पा रहे हैं। सो ये रिएक्ट आपने लिखा, उसके बाद आपको अगला स्टेटमेंट वापस से इम्पोर्ट लिखना है, और ये आपको लिखना है रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दो लाइब्रेरी से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना है, पहली लाइब्रेरी है रिएक्ट और दूसरी लाइब्रेरी है रिएक्ट डॉम। ये दो पैकेजेस है, इनको लाइब्रेरी कह लो या पैकेजेस कह लो, बात एक ही है। तो ये दोनों लाइब्रेरी से मैंने, ये दो ऑब्जेक्ट हैं ये मैंने इंपोर्ट किए हैं। अब इन दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ठीक है। तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला बता देता हूं, वो आपको ध्यान रखना है। यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, जावास्क्रिप्ट की क्लासेस आपने बना रखी हैं, क्लासेस का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल करवा सकते हो। तो रिएक्ट डॉम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और रेंडर क्या है, मेथड है। इस रेंडर के अंदर हम जो है दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और वो आर्ग्यूमेंट होंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। सो यहां पर We are passing actual argument. अब actual argument पहला तो होगा हमारा element, और दूसरा element हमारा होगा किस element के अंदर हमें load करना है। तो यहां पर हम react को बोल रहे हैं कि जो नया element जो है, यहां पर मैं element ले लेता हूं, और यह तो मैं let से ले सकता हूं या const से ले सकता हूं, ठीक है। So यहां पर मैंने लिखा let x, कुछ भी ले लो, लेट एक्स इज इक्वल टू, और यहां पर भी मैं एक्सप्रेस कर देता हूं, और मैंने यहां पर ले लिया एच वन, ठीक है, और यहां पर मैंने हेलो लिखा, ठीक है, और यहां पर आप सेमी कॉलन लगा लो, ठीक है। और यहां पर जो है सेकंड आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट तो आपको वो एलिमेंट देना है जो कि लोड करना है, मतलब मैंने बोल दिया कि भाई एच वन लोड करना है। अब मुझे रिएक्ट को बोलना पड़ेगा कि एच वन मुझे कहां लोड करना है, मेरे पास HTML फाइल है और इस HTML फाइल में कहां लोड करना है, क्या बॉडी के अंदर, हेड के अंदर, टाइटल के अंदर, डिव के अंदर, कहां लोड करना है। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि रिएक्ट के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं वो रूट एलिमेंट के अंदर लोड होते हैं, और बाय डिफॉल्ट रिएक्ट के अंदर जो रूट एलिमेंट होता है वो बॉडी के अंदर जाके मिलेगा। बॉडी के अंदर जाके हमें किस नाम से मिलेगा, डिव नाम से मिलेगा, और उसकी आईडी बाय डिफॉल्ट क्या दी होती है, रूट। क्या इस एलिमेंट को हम डिव की जगह कुछ और दे सकते हैं, दे सकते हैं। क्या इसको आईडी की जगह कोई दूसरी आईडी दे सकते हैं रूट के अलावा, दे सकते हैं। ये टोटली डिफॉल्ट टेम्पलेट को मॉडिफाई करना हमारा काम है, हम चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, हम चाहें तो वैसा के वैसा ही उसको डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट टेम्पलेट को अगर आपको जान के खुशी होगी कि फ्लिपकार्ट जो है रिएक्ट के अंदर बनी हुई है, और फ्लिपकार्ट का यदि मैं आपको रूट एलिमेंट बताऊं तो उन्होंने क्या ले रखा है, तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है। देखो बॉडी के अंदर घुसते ही सबसे पहले क्या मिल रहा है, डिव मिल रहा है, मगर आईडी क्या है, कंटेनर है। और हमारे केस में जो हम फर्स्ट टाइम जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं उसमें हमें बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है, रूट मिलता है। तो आप रूट को आप क्या कंटेनर भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है डिफॉल्ट टेम्पलेट को मॉडिफाई करना, हमारा काम है। सो यहां पर मैं अभी इसको रूट ही ले रहा हूं। रूट लेने के बाद आपको यहां पर एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। आपने रिएक्ट को यह बता दिया कि भाई एच वन प्लेस करना है, मगर रिएक्ट को अभी तक ये नहीं बताया कि कहां प्लेस करना है। सो वो आपको जो है यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो है यहां पर आप रूट ले लो। ये आपने रूट लिया और आप अपना एप्लीकेशन जो है ये एलिमेंट आ गया, ये बॉडी में गए और ये एलिमेंट आप देखो आ गया। अब आप देखिए कि क्या मेन HTML के अंदर यहां पर मैंने H1 लिख रखा है, हार्ड कोडेड नहीं लिख रखा है। ये H1 कहां से आया, ये डायनेमिकली इंजेक्ट हुआ है, किसने किया, ये रिएक्ट ने किया। और ये जितना भी लॉजिक है इसको इंजेक्ट करने का लॉजिक, वो एंट्री फाइल होगी, वहीं पर सारा लॉजिक रहता है। सो ये जो एंट्री फाइल है इसके अंदर पूरा लॉजिक हमने लिखा हुआ है, कुल मिला के बस 4 लाइन का कोड है जो कि कोड को जो है इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इतना मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इतना मैंने आपको बता दिया था। अब जो है मैं आपको यहां पर कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूं, कंपोनेंट्स।
सो कंपोनेंट, सबसे पहली बात तो कंपोनेंट्स होता क्या है। तो आप जाइएगा रिएक्ट के अंदर, कंपोनेंट सेक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कंपोनेंट होता क्या है। सो पहला पॉइंट आ रहा है, कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट ऑफ कोड। सो मैंने इसको लिख दिया। सो पहला पॉइंट बना के लिख लिया कि कंपोनेंट जो है कुछ कोड है जिसे हम कंपोनेंट कह रहे हैं और वो रीयूजेबल है। मतलब रीयूजेबल है मतलब हमें पता है जावास्क्रिप्ट रीयूजेबल दो ही चीजें हैं, या तो फंक्शन होगा या क्लास होगा। सो इनफैक्ट कंपोनेंट जो होते हैं वो फंक्शन से भी कंपोनेंट बनते हैं और क्लास के थ्रू भी कंपोनेंट बनते हैं। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कंपोनेंट जो हैं कुछ कोड हैं जो कि रीयूज कर सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, दे सर्व द सेम पर्पज एज जावास्क्रिप्ट फंक्शन बट वर्क इन आइसोलेशन एंड रिटर्न HTML। अच्छा, कंपोनेंट्स रिटर्न HTML। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां ध्यान रखना है, कंपोनेंट्स रिटर्न HTML। कंपोनेंट जो होगा वो हमेशा हमेशा क्या रिटर्न करेगा हमें, वो HTML रिटर्न करेगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट इन रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट आपको मिलेंगे। पहला जो कंपोनेंट है वो आपका है फंक्शनल कंपोनेंट, और दूसरा आपको मिलेगा क्लास कंपोनेंट। कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट जो बनते हैं वो फंक्शंस के थ्रू बनते हैं, और क्लास कंपोनेंट जो हैं वो क्लास के थ्रू बनेंगे। ठीक है, सो मैं आपको एक फंक्शनल कंपोनेंट बना के बताता हूं, उसके बाद मैं आपको एक क्लास कंपोनेंट बना के बताता हूं। ठीक है, सो अच्छा, चाहे फंक्शनल कंपोनेंट हो चाहे क्लास कंपोनेंट है, दोनों का काम क्या है, HTML रिटर्न करना। चाहे मैं फंक्शन बनाऊं या मैं क्लास बनाऊं, दोनों के अंदर जाके कहीं ना कहीं मुझे रिटर्न में मिलेगा क्या, मुझे HTML ही मिलना है। ये बात आपको नोट डाउन करके लिखनी है कि मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, मेरे पास दो तरीके हैं कंपोनेंट बनाने के, या तो मैं फंक्शन यूज करके बना सकता हूँ या क्लास यूज करके बना सकता हूँ। बट एक कॉमन चीज उनमें दोनों में ये है कि दोनों ही जो हैं HTML रिटर्न करेंगे। सो सबसे पहले एक सिंपल सा कॉम्पोनेंट हम बनाते हैं। तो यहां पर जो है मैं एक फंक्शन लेता हूं, इस लाइन को मैं कमेंट करता हूं अभी के लिए, और यहां पर एक मैंने लिखा क्रिएट अ फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आप यहां पर आप जाइएगा, थोड़ा सा आप नीचे जाइएगा, एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। फंक्शनल कंपोनेंट मतलब फंक्शन, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर नाम तो आप बहुत वो ले रहे हो कंफ्यूजिंग टाइप के, मगर कुछ भी नहीं है, सब सिंपल चीजें हैं। फंक्शनल कंपोनेंट मतलब एक सिंपल सा एक फंक्शन, मेरे नाम से बना लो एक फंक्शन, मेरे नाम से एक बना लूं फंक्शन, और अनिल नाम से मैंने क्या बना दिया, एक फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन की खास बात ये होगी कि इस फंक्शन का, क्योंकि ये कंपोनेंट है, ये क्या रिटर्न करेगा, एक HTML रिटर्न करेगा। सो क्या फंक्शन के अंदर हम लास्ट क्लास में क्या लिखते हैं, रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं, और यहां पर मैंने एक H1 रिटर्न करवा दिया, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, हेलो। और फंक्शनल कंपोनेंट है तो यहां पर आपको जो है HTML का जो टैग होता है ना, जैसे H1 का स्टार्ट, H1 का क्लोज, तो जो कंपोनेंट का जो नाम है उसमें भी उसका स्टार्ट और उसका एंड आपको देना पड़ेगा। तो मेरा कंपोनेंट कौन है, अनिल। अनिल नाम से मैंने एक फंक्शन बना रखा है, मगर आज से इसको आप फंक्शन नहीं कहोगे, आप इसको फंक्शनल कंपोनेंट कहोगे, कि मैंने कंपोनेंट बनाया है और वो कंपोनेंट क्या कर रहा है, HTML रिटर्न कर रहा है। कंपोनेंट चाहे क्लास से बनाओ या फंक्शन से बनाओ, दोनों के अंदर आपको क्या मिलेगा, रिटर्न में क्या मिलेगा, HTML मिलेगा। मैंने HTML रिटर्न कर दिया, और यहां पर अगर वो कंपोनेंट है तो उसको एज अ टैग आपको यूज करना पड़ेगा। सो अनिल नाम का मैंने क्या बनाया, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, और यहां पर मैं उसको ऐसे यूज करूंगा, अनिल का स्टार्ट और अनिल का क्लोज आप ऐसे दे सकते हो। सेव किया, और आप देखिएगा कि आपका कंपाइलिंग जो रहा वो सक्सेसफुल रहा। तो आप यहां पर देखिए, इसको आप रिफ्रेश करिए,
ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा केमल केस का ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल कंपोनेंट होगा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, अनिल को मैं ना फर्स्ट लेटर कैपिटल ए लिखता हूँ, तो कुछ रूल्स हम ध्यान रखेंगे। अनिल लिखा और यहाँ पर फिर मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग मैंने लिखा यहाँ पर अनिल, सेल्फ क्लोजिंग टैग और अनिल लिखा, रिफ्रेश किया। तो फंक्शनल कंपोनेंट पॉइंट बना के लिख लिया, फंक्शनल कंपोनेंट्स ये हो गए। एक पॉइंट बना के हमें लिखना है कि मस्ट यूज पास्कल, पास्कल केस, फंक्शनल कंपोनेंट मस्ट यूज पास्कल केस, मतलब जो भी आप कंपोनेंट बनाओगे वो पास्कल केस में होना चाहिए। केमल केस में हो गया तो रेंडर नहीं होगा, केमल केस में हुआ। अनिल जो है मैंने स्मॉल में लिखा, मतलब वो क्या हो गया, एक क्या हो गया था वो, मतलब कौन सा नेमिंग कन्वेंशन मैंने यूज किया, केमल केस। दो टाइप के केस होते हैं, केमल केस और पास्कल केस। पास्कल केस में ऐसे होता है, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, अनिल का ए कैपिटल, डॉलर का डी कैपिटल। और अगर यहां मैं यहां ले लूं केमल केस ले लूं, तो वहां पर क्या होगा, फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंपोनेंट आप ले रहे हो, जो भी कंपोनेंट ले रहे हो, तो अभी मैं कौन सा कंपोनेंट बता रहा हूं आपको, क्लास कंपोनेंट बता रहा हूं या फंक्शनल कंपोनेंट, मैं फंक्शनल कंपोनेंट। तो कंपोनेंट मतलब वो एक एक फंक्शन ही है बेसिकली, यू समझ लीजिए, मगर उसका काम है HTML रिटर्न करना। तो मैंने अनिल नाम का एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और उस कंपोनेंट को मेरे रूट एलिमेंट के अंदर इंजेक्ट करूँगा। मैं रिएक्ट को कह रहा हूँ कि रूट एलिमेंट के अंदर अनिल कंपोनेंट को आप क्या कर दो, इंजेक्ट कर दो, उसको प्लेस कर दो वहां पर। और इसके अंदर क्या रिटर्न हो रहा था, हेलो रिटर्न हो रहा था, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं, कंपोनेंट्स कैन कंटेन अदर कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कंटेन कर सकता है, आई बात समझ में, मतलब जो कंटेन कर रहा है वो पेरेंट बनेगा और जिसको कंटेन किया हुआ है वो चाइल्ड, मतलब यहां पर भी क्या होगा, चाइल्ड पेरेंट बन सकते हैं कंपोनेंट के अंदर, मतलब एक पेरेंट पेरेंट, एक कंपोनेंट पेरेंट हो सकता है और दूसरा कंपोनेंट क्या हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है। सो यहां पर देखना, अनिल नाम का एक कंपोनेंट है और एक कार नाम का एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है और दोनों ही कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट है कि फंक्शनल कंपोनेंट है, फंक्शनल है क्योंकि फंक्शन के थ्रू बनाए हैं। दोनों ही क्या रिटर्न कर रहे हैं, HTML, एक H1 रिटर्न कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, एक H2 रिटर्न कर रहा है। इसको मैं यूं करता हूं, इसको मैं स्पान ले लेता हूं, ठीक है ना, ये स्पान ले लिया, स्पान का स्टार्ट, स्पान का क्लोज। अब मैं चाहता हूं कि ये जो हेलो कंपोनेंट H1 के अंदर मेरा स्पान आ जाए बेसिकली। सो यहां पर आप हेलो के बाद H1 के अंदर आप क्या ले लिया, आपने ये कार कंपोनेंट ले लिया और उसको आपको सेल्फ क्लोज करना पड़ेगा। यहां पर ये सेल्फ क्लोज किया मैंने, जैसे अनिल ये सेल्फ क्लोज है बेसिकली, ये सेव किया और आप देखना यहां पर, ये मैंने यहां पर रिफ्रेश किया, हेलो हाय आई एम आल्सो अ कार लिखा हुआ आ रहा है। इस डीप को एक्सपांड करो, H1 दिख रहा है, H1 के अंदर कौन आ गया, स्पान आ गया, मतलब एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट आ गया। अब उस दूसरे कंपोनेंट क्या नेस्टेड, ये कितना जा सकता है, कितना भी जा सकता है। तो मैंने एक और ले लिया, एक और फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूं मैं car2 नाम से, मैंने ले लिया car2 नाम से एक फंक्शन बनाया, मतलब अलग फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और रिटर्न किया। रिटर्न क्या कर रहा हूं मैं, अगेन एक स्पान मैंने रिटर्न कर लिया, एक स्पान या मैं इटैलिक टैग रिटर्न कर रहा हूं या स्ट्रॉन्ग रिटर्न कर रहा हूं। और माय नेम, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, माय नेम इज अनिल। और ये जो मेरा कंपोनेंट है कार टू कंपोनेंट, ये इसको मैं किसके अंदर रखूंगा, इसके अंदर। तो कार टू, और इसको मैं सेल्फ क्लोज करना है, ये ध्यान रखना है, ये मैंने सेल्फ क्लोज किया, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले रूट एलिमेंट में कौन सा कंपोनेंट इंजेक्ट हो रहा है, अनिल, ये अनिल कंपोनेंट, अनिल कंपोनेंट के अंदर कौन है, कार कंपोनेंट, कार कंपोनेंट के अंदर कौन है, कार टू कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट, उसके अंदर तीसरा कंपोनेंट,
तो ये सबसे बाहर वाला जो है अनिल, ये आपका ये मेन कंपोनेंट है, मगर उसके भी ऊपर कौन है, रूट कंपोनेंट। मतलब रूट भी एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट, दूसरे के अंदर तीसरे, ऐसे नेस्टेड कितने भी लेवल पे जा सकते हैं। और ये मैंने सिंगल फाइल के अंदर किया है, आगे चल के मैं इन कंपोनेंट्स को कट करके अलग फाइल में लाके इंपोर्ट करवा सकते हैं। पूरा आर्किटेक्चर में यही चलेगा कि रिएक्ट के अंदर पूरा लॉजिक ही कहां से चलता है, इंडेक्स डॉट जेएस से चलता है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूं, वो जितने भी नेस्टेड कंपोनेंट के जो कोड है वो मैं यहीं रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जब ये कोड ये यहीं रह सकते हैं तो हर कोड को मैं अलग अलग फाइलों में जाके देन वापिस से क्या करवा सकते हैं, इम्पोर्ट करवा सकते हैं। अभी पहले ये तो समझ लें कि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बाद में पहले तो सिंगल फाइल के अंदर अपन कितना उसको समझ सकते हैं। सो अभी मैंने तीन कंपोनेंट बना रखे, तीनों नेस्टेड हैं। अब थोड़ा स्ट्रक्चर समझो, सबसे पहले कौन आ रहा है, H1, H1 के अंदर कौन आ रहा है, स्पान, और स्पान के अंदर कौन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग। तो कार टू कंपोनेंट के अंदर अनिल कंपोनेंट अंदर कार कंपोनेंट है, कार कंपोनेंट के अंदर कार टू कंपोनेंट है। सो अ कंपोनेंट कैन कंटेन अदर कंपोनेंट्स, इस पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया, ये आपको ये ध्यान रखना है। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लास कंपोनेंट और इसके बारे में जानकारी दूंगा।